हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अपना रिलेशन वाला चैप्टर चल रहा है तो अज आप लास्ट टॉपिक करांगे जिस दे विच पहला आप कंसैप्ट पढ़ांगे हास डायग्राम और ऑर्डरिंग डायग्राम ऑफ ए रिलेशन तो की आ उस दे बेस से आप डायरेक्ट एग्जाम्पल ही कंसर्न करांगे। स्टेटमेंट की है ड्रा हास डायग्राम और ऑर्डरिंग डायग्राम ऑफ द रिलेशन subset which is defined on power set of A where A is equal to set containing elements A, B, C। The key question है कि अपने को एक A set दिता होया जिस दे विच members है A, B and C, ता उस A set दे अपा power set नो अपा डिफाइंड कर लिया उस दे विच अपने को ले पता कि 8 मेंबर होंगे क्योंकि ए दे विच जे 3 मेंबर आता उहदे पावर सेट ऑफ ए दे विच 2:3 8 मेंबर्स होंगे। तो पावर सेट ऑफ ए दे उत्ते आपां एक रिलेशन डिवेलप कर लिया और रिलेशन डिवेलप की कीता सबसेट कि पावर सेट ऑफ ए दे 2 मेंबर जिवें आपां एक्स ते वाई लै लईए एक्स रिलेटड टू वाई दा ही होगा जे एक्स वाई दा सबसेट है तां आपां इस रिलेशन दी हास डायग्राम या ऑर्डरिंग डायग्राम बनानी है। तो स्टूडेंट्स देखियो आप किस तरह बनाने हैं कि अपने को ए सेट अपने को की है जिसके मैंबरस कि ए बी सी और देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए दे विच मैं तुम्हें दस चुके हैं 8 मैंबरस बन गए दैट इज इट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ ए देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए की बन गया सामना पहले मैंबर बन गया 5 दूसरा इहदा बन गया set containing only element A, third member बन गया set containing only element B, fourth अपा singleton set जड़ा है का only member C, ते then दो दो elements वाले जड़े है गया और तिन अपने बले बन गया set कड़े कड़े एक ता A ते B, अगला A ते C, ते जड़ा अपने बले next था वो B ते C, ते और power set of head A दे विच लास्ट जड़ा अपने बले member होगा वो खुद ए सेट ही होगा दैट इज ए बी सी जड़ा अपने कोले कंटेन करन वाला सा ता अपने कोले पावर सेट ऑफ ए दे विच 8 मेंबर्स आ गए अपा रिलेशन दा नाम आर मान लिया लेट आर बी अ रिलेशन ऑन पावर सेट ऑफ ए एस किस तरह हम कीता था आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर जड़ा हैगा दैट इज एक्स रिलेटेड टू वाई ता ही होगा इफ X is a subset of Y where X and Y are members of power set of A। ता इस relation ते जड़ी हास डायग्राम बनूंगी वो अपन बनाने हैं। The हास डायग्राम of relation R is as shown below। ता students हास डायग्राम या ordering डायग्राम किमें बनूंगी हैं जब तुम्हें कोई relation पता लग जाएगा किस जिस दिन ते develop हुआ होगा ता उस दे बच्चों जिस दे ते डिवेलप होया होंदा तां उस दे विचों इहो जिहा मैंबर विलों पिक करना सामना तैनूं सच दैट कोई भी उस सैट दे विचों होर मैंबर उस तों इलावा ना होवे कि जिहड़ा उस नूं रिलेट करे मीन जिवें मैं तुहानूं इह गल कह रिहा कि इहदे विच 5 मैंबर पावर सैट ऑफ ए दे विच हुण इस 5 तों इलावा कोई होर इस दे विच कोई मैंबर इहो जिहा है नहीं जिहड़ा 5 नूं रिलेट करे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ A ਆ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 A ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ A ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ 5 ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸੱਚ ਦੈਟ ਇਸ 5 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ 5 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ ਹੁਣ 5
अगे किदा सबसैट आपां नूं नजर आ रहा सारे जिन्ने दे जिन्ने बाकी दे सत मैंबर्स आ उहनां दा सबसैट पर इन्हां दे विचों ओह मैंबर्स पता करो सच दैट फाई इमीजिएटली सबसैट होवे उहदे विच कोई होर ना आवे फॉर एग्जाम्पल फाई जे मैं कहां सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए ते बी दा सबसैट पर इहदे विच विच ए सैट जिहड़ा आया पिया सैट जिहड़ा कंटेनिंग ओनली एलीमेंट ए है ओह वी आया क्यों फाई इज ए सबसैट ऑफ सैट कंटेनिंग एलीमेंट ए विच इज ए सबसैट ऑफ सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए एंड बी तो इस तरह ना हो फाई इमीजिएटली जी ना रिलेट हो कि उहदे विच कोई होर ना आवे इस तरह के मैंबर्स हुण पता करो वह आप नैक्सट स्टेज पर रखेंगे जो तुम देखो फाई इमीजिएटली सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए रिलेट करता क्योंकि ये इस सैट के कोई होर मैंबर है नहीं जिहड़ा फाई तो ए सैट जिहड़ा कंटेन अपने को कर रहा है ये एलीमेंट वो आ गया तो फाई सैट कंटेनिंग एलीमेंट ए भी आ गया फाई सैट कंटेनिंग एलीमेंट बी नाल भी इमीजिएटली रिलेट हो गया फाई सैट कंटेनिंग एलीमेंट सी ना भी रिलेट हो गया वंस अगेन आई रिपीट फाई इमीजिएटली अपने को रिलेटड टू सैट कंटेनिंग एलीमेंट बी सी क्यों नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स जो अपने को सैट कंटेनिंग है ओनली एलीमेंट सी आदि बिच बिच आ जाए क्यों फाई इज रिलेटड टू सैट कंटेनिंग सी इज रिलेटड टू सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स बी एंड सी क्योंकि फाई सबसैट ऑफ सैट कंटेनिंग एलीमेंट सी है विच इज ए सबसैट ऑफ सैट कंटेनिंग बी एंड सी है तो तुम फिलहाल फॉलो कर गए हो कि मैं की कह रहा कि फाई जो है हम आप पता करना से भी वह इमीजिएटली किड़े किड़े एलीमेंट्स नू रिलेट करता वो ना कोई होर एलीमेंट्स आए तो वह तीन इस तरह के मैंबर्स आ कि सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ओन बी एंड सैट कंटेनिंग ओनली एलीमेंट सी तो वह अगली स्टेज पर रख देने इतने मैं रखता ए इतने मैं रखता बी इतने मैं रखता सी तो तुम इस एक लाइन एक एज इनू एज बोलते हैं जो आपस आपस ज्वाइन कर दिए इन एज द्वारा ज्वाइन आप लेना तो इस कोई एरो नहीं आऊगा भी इतने एरो जस्ट इस ज्वाइन ही करना एक तरह का लाइन सैगमेंट अपना ड्रा कर देना है हम तुम ये देखो कि ए जड़ा है यह सामना बॉटम स्टेज आ गई यह एक तरह का फस्ट लैवल आ गया यह बॉटम लैवल आ गया फस्ट लैवल आ गया हम नैक्सट लैवल आप देखते हैं स्टूडेंट्स की बन हम देखो ए इन एलीमेंट को इमीजिएटली रिलेट करता आ चार एलीमेंट्स बचे हम मैं ये नहीं कह सकता कि ए इमीजिएटली सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए बी सी इमीजिएटली रिलेट करता दैट इज ओदा सबसैट उहदे विच भी कि जिवें फॉर एग्जाम्पल ए सी आ गया दैट इज सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए एंड सी आ गया क्यों क्योंकि सैट कंटेनिंग एलीमेंट ए इज ए सबसैट ऑफ सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए कॉमा सी इज ए सबसैट ऑफ सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी तो इसका मतलब ए बी सी जिहड़ा सैट एलीमेंट्स कंटेन करने वाला सैट वह ए द्वारा इमीजिएटली रिलेट भी है तो आप देखा जाए तो इन चार ए इमीजिएटली सैट कंटेनिंग एलीमेंट ए कॉमा बी नूं भी करोगे और इमीजिएटली कंटेनिंग एलीमेंट ए कॉमा सी नूं भी करोगे तो मैं इतने आप रख लिया अपने को ए कॉमा बी इतने रख लिया आप ए कॉमा सी ए ते ए बी भी आपस च ज्वाइन कर देने ए ते ए सी भी आपस च ज्वाइन कर देने उस तो बाद बी का देखो बी किनू किनू इमीजिएटली रिलेट करो ए कॉमा बी सैट जिहड़ा है एलीमेंट्स कंटेन करने वाला सैट उन और सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स बी एंड सी तो आप इतने बी एंड सी बनाता तो हम बी इमीजिएटली किनू किनू करता सी एक ए ते बी एक बी ते सी इन्हों आपस ज्वाइन करता हूँ गल आ जाती है अगली इतने सी तो सी इमीजिएटली किनू किनू कर रहे स्टूडेंट्स सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स ए कॉमा सी एंड सैट कंटेनिंग एलीमेंट्स बी कॉमा सी तो आप बी कॉमा सी भी सी ज्वाइन करता और ए कॉमा सी भी ज्वाइन करता
ये अपने में सेवन लैवल सैट हो गए। हुण जे तुसीं देखो कि ए कॉमा बी इमीजिएटली किनू रिलेट करता, और डेफिनेटली इको ही बचा जिहड़ा जिहड़ा ए बी सी। तो आप इत्थे अगले स्टेज ते ए बी सी बनाता, इत्थे तो ए बी सी जो बनाया तो इनू इहदे नाल ज्वाइन कर लिया। और जे बी सी देखिए बी कॉमा सी सैट जिहड़ा है वो अपने को देखिए वो भी अपने को इमीजिएटली ए बी सी मिलेगा, और जो सैट कंटेनिंग एलीमेंट ए सी है वो भी ए बी सी मिलेगा, इन भी आप ज्वाइन कर। तो स्टूडेंट्स आ जी है थोड़ी की बन गई हास डायग्राम बन गई, दैट इज अपने को ऑर्डरिंग डायग्राम बन गई। ये स्टूडेंट्स एक होर क्वेश्चन देखो ताकि थोड़ा क्लीयर हो जाए। एक अपने को सैट अपने को दिता है बी, जिस सैट के मैंबरस कड़े कड़े है एलीमेंट्स कड़े कड़े है 2, 3, 4, 6, 12, 36, 48। तो बी सैट के जो मैंबरस आ या बी सैट के मैंबरस आ या बी सैट के एलीमेंट्स आ कड़े कड़े आ 2, 3, 4, 6, 12, 36 एंड 48 एंड एस इन रिलेशन, जिमें पिछली बार अपने को सबसेट सी एस बार रिलेशन है डिवाइड ऑन बी। इस तरह कि बी दे दो मैंबर जिवें आपां एक्स ते वाई लै लिया, एक्स रिलेटड टू वाई तां ही होगा जे एक्स वाई नूं डिवाइड करदा होगा। तां इसदी वी आपां की बनाउणी आ ड्रा हाफ डायग्राम जां अपने कोले ऑर्डरिंग डायग्राम। तां तुसीं इह देखो हाफ डायग्राम इज अपने कोले हाफ डायग्राम ऑफ रिलेशन एस इज एस शोन बिलो। तो हम स्टूडेंट्स देखो जिहड़ा एस रिलेशन आ वह अपने कोले किहड़े सैट दे उत्ते डिफाइंड होया है, बी दे उत्ते डिफाइंड होया है। हुण बी दे विच इहो जिहे मैंबर पिक करने आ सच दैट वह मैंबर तो इलावा कोई होर मैंबर उस नूं रिलेट ना करे, जिवें कि इस दे विच सामना मतलब समझना डिवाइड आ रिलेशन कि एक्स ते वाई दो मैंबर जे आपां बी दे लै लईए एक्स वाई नूं रिलेट ताही करूंगा अपने को जे एक्स वाई नूं डिवाइड करूंगा। हुण मैं हाश डायग्राम या ऑर्डरिंग डायग्राम बनाने वास्ते थोड़ा मैं फिर एक बार कह रहा सामना पहलों आप मैंबर पता करांगे जां मैंबरस पता करांगे सच दैट जिहड़े मैंबरस अपने आप दे मैंबरस तो इलावा इटसैल्फ तो इलावा किसी होर मैंबर नाल नहीं रिलेट होंदे होणगे। तां तुसीं देखो जे मैं टू की गल तो इन्ना मैं पता टू टू डिवाइड करता इस सैल तो करता ही करता, पर जो मैं होर इन्होंने जोड़े पिछले छे मैंबर आ जोड़े दैट इज थ्री अगला फोर अगला सिक्स अगला ट्वेल्व नैक्सट 36 नैक्सट 48 सारे के सारे जो छे मैंबर आ टू रिलेट नहीं करते क्योंकि थ्री टू डिवाइड नहीं करता, फोर टू डिवाइड नहीं करता, सिक्स टू डिवाइड नहीं करता, ट्वेल्व टू डिवाइड नहीं करता, 36 टू डिवाइड नहीं करता एंड 48 भी टू डिवाइड नहीं करता। तो टू ओहेजा एक मैंबर अपने को पिक हो गया, इस दे विच टू नहीं थ्री भी उस तरह का मैंबर आ, क्यों थ्री थ्री डिवाइड करता। पर इस तो इलावा जे आप बाकी के सिक्स मैंबर की गल करिए जिवें टू फोर सिक्स ट्वेल्व 36 48 कोई भी थ्री को डिवाइड नहीं करता। हम स्टूडेंट्स इसमें होर एक्सप्लेन करने लिए मैं लिखा फोर, फोर उस जी है मैंबरस की जी है पिक्ट के नहीं आऊगा, क्यों क्योंकि फोर जरा है फोर द्वारा तो डिवाइड आ, पर एज वेल एज इस टू यहोजा मैंबर आ जोड़ा फोर डिवाइड कर दिया। तो मैं थोड़ा कहा कि होर नहीं कोई होना चाहिए इट्स सब तो इलावा सच दैट वह जोड़ा है मैंबर उसू अपने पर ले लिया। तो आप गल कह सकते हैं टू तो थ्री दोनों आ गए, तो मैं इनू सिर्फ बॉटम लैवल पर रख लेना एक टू तो एक थ्री। हम तुम ये देखो टू इमीजिएटली किनू डिवाइड करता, इमीजिएटली किनू रिलेट करता, रिलेट मीन डिवाइड, टू इमीजिएटली फोर नू रिलेट करता क्योंकि टू डिवाइड फोर। सुन एक बार फिर समझे टू इमीजिएटली ट्वेल्व क्यों नहीं रिलेट करता, क्योंकि टू इज रिलेटड टू फोर एंड फोर इज रिलेटड टू ट्वेल्व, तो टू से ट्वेल्व के फोर आ गया, तो टू इमीजिएटली किनू रिलेट करता फोर, एज वैल एज
6 ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 3 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੇਟ 4 ਤੇ 6 ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 6 ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਐਂਡ 2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਹੋਰ 2 ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਲੋ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 12 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ 36 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 4 4 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 36 ਐਸ 2 ਡਿਵਾਈਡ 4 4 ਡਿਵਾਈਡ 36 ਓਨਲੀ 48 ਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਆ 2 3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਓਨਲੀ 6 ਨੂੰ 3 12 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਡਿਵਾਈਡ 6 ਐਂਡ 6 ਡਿਵਾਈਡ 12 6 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ 3 ਵਾਸਤੇ ਓਨਲੀ 6 ਹੀ ਆ ਤਾਂ 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 0 ਲੈਵਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਲੈਵਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ 4 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚੋ 4 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 12 ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ 12 36 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਡਿਵਾਈਡ 12 ਐਂਡ 12 ਡਿਵਾਈਡ 36 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ 4 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 36 ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 48 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਡਿਵਾਈਡ 12 12 ਡਿਵਾਈਡ 48 ਤਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਲੀ ਇਮੀਡੀਏਟ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ 6 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜੇ 6 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 12 ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 6 ਆਪਾਂ 12 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 12 12 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ 12 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 36 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 12 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 48 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਡਿਵਾਈਡ 36 ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉ ਉਵੇਂ 12 ਡਿਵਾਈਡ 48 ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 36 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 48 ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰਿੰਗ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀਸ ਕਨਸੈਪਟ ਹਾਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੀਸ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਆਫ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਇਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਪਏ ਆ ਏ ਕੋਮਾ ਬੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਦਾ ਮੋਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਇਜ਼ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੈੱਟ ਏ ਵੇਅਰ ਸੈੱਟ ਏ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1, 2, 3, and 4 ਫਾਈਂਡ ਏ ਡਾਇਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਫ ਐਸ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਏ ਕੋਮਾ ਬੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੈੱਟ ਏ ਵੇਅਰ ਸੈੱਟ ਏ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1, 2, 3, and 4 ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਸ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1, 2, 3, and 4 ਤੇ ਆਰ ਤੇ ਐਸ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਏ ਆ ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਈਵਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਾਂ
ड्रा करनी। अपना ड्रा करा देखो स्टूडेंट्स किस तरह करा। फर्स्ट पार्ट जे फर्स्ट रिलेशन की गल करिए अपन पता से भी ये रिलेशन सैट एज दे आ और यदा एक मैंबर दूजे ना रिलेट ता ही करेगा जो डिफरेंस का मॉड बन दो। हम तुम आप देख लो इस सैट के इस तरह के किड़े ऑर्डर पेयर होने जिन्हें डिफरेंस का मॉड बन होगा। तुम पता वन वन तो हो नहीं सकता क्योंकि वन माइनस वन का मॉड जीरो होंगे। वन टू ना रिलेटड होगा इस क्यों क्योंकि वन माइनस टू का मॉड इक्वल टू वन होगा। तो वन कौमा टू इस आई होर वन किसी रिलेट नहीं करना तो टू कौमा वन भी आई। उस तरह जो तुम चैक करोगे टू कौमा थ्री आई और थ्री कौमा टू भी आई। उस तरह थ्री कौमा फोर आई तो फोर कौमा थ्री आई। तो इस टोटल सिक्स जोड़े है वह मैंबरस आ जाएंगे रिलेशन आर के वन कौमा टू दूसरा टू कौमा वन फिर टू कौमा थ्री फिर थ्री कौमा टू दैन थ्री कौमा फोर एंड फोर कौमा थ्री। तो हम आप इसका ड्रा करते हैं डायग्राफ ऑफ रिलेशन आर। तो डायग्राफ ऑफ रिलेशन आर इज एज शोन बिलो। तो तुम स्टूडेंट्स की करना जो आप किसी रिलेशन का डायग्राफ ड्रा करना सामना पहले जोड़ा रिलेशन अपन दिता हुआ है उस रिलेशन फाइंड आउट करने तो बाद की करना जेडे रिलेशन अपने को जेडे सैट के उत्ते अपने को दिता हुआ उस सैट के हर मैंबर को आप पहले रिप्रजेंट करा। वह जो आप रिप्रजेंट करा तो आप कहे कि जो रिप्रजेंटेशन करनी है नॉड या वर्टेक्स। जिमें मैं ये रिलेशन ए सैट के उत्ते और ए सैट के मैंबर से वन टू थ्री एंड फोर तो मैं इतने सर्कल लगा के अंदर वन लिख लिया समझ लो ये एक वर्टेक्स बन गया या नॉट बन गया। दैट मीनस ए का जरा पॉइंट जो वन सी उसको मैं जो रिप्रजेंट किया उसको मैं की कहूँगा नॉड या वर्टेक्स। तो आप इतने सर्कल लगा के अंदर वन उस तरह सर्कल लगा के टू उस तरह सर्कल लगा के थ्री उस तरह सर्कल लगा के फोर। तो सब ना पहले मैं जो इतने मैं दिखा चाहवा तो मैं सब ना पहले यही काम किया कि इसके सारे मैंबरस इस तरह ये नॉट्स बन गए। हम तुम ये देखो कि वन रिलेटड टू टू वन रिलेटड टू टू जो आप डायग्राफ च बना तो वन तो टू तक एक डायरेक्ट एज बना लें सच दैट वन तो एज स्टार्ट होगा और टू तो वह एज एंड विच दैट एज स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड विद टू। तो मैं वन तो टू तक चाहे स्ट्रेट लाइन सीधी वर्टिकल बना दे चाहे इस तरह लिख लो तो मैं ना एरो पाता क्योंकि मैं ना कह रही हूँ मैं डायरेक्टर एज बनाऊंगा। डायरेक्टर मीन जी का पता होगा इनिशियल कितों आ फाइनल कितों आ तो मैं यही एज इतने मैं बनाता वन तो टू तक अपने को डायरेक्टर एज दैट एज स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड विद टू। फिर उस तो बाद टू वन की गल तो हम यह जो डायरेक्टर एज बनूंगा वो टू तो स्टार्ट होगा तो वन से एंड होगा। तो मैं इतने इस तरह टू तो स्टार्ट करके वन से एंड करता और डायरेक्शन टू तो वन तक इस तरह अगला मेरा टू कौमा थ्री। तो टू कौमा थ्री वास्ते भी मैं इस तरह एज बनाता जो स्टार्ट टू तो होगा और एंड थ्री तो होगा डायरेक्टर एज और इस एरो मैं एंड तो इतने भी कर सकता इतने भी जिते मर्जी लिख लो थोड़ू एरो क्लीयर होना चाहिए कि वह डायरेक्टर एज। उस तरह अगला मेरा थ्री कौमा टू तो इतने फिर मैं इस तरह इस तरह थ्री कौमा फोर तो आ थ्री कौमा फोर जो थ्री इज रिलेटड टू फोर ये फिर एज नंबर बनाता डायरेक्टर जो स्टार्ट थ्री तो सी और एंड फोर तो सी। इस तरह फोर कौमा थ्री फोर तो थ्री लिखो तो यह आ रिलेशन का डायग्राफ ड्रा हो गया। तो स्टूडेंट्स यही मैं इधर ड्रा किया और मैं उधर भी थोड़ा वही ड्रा करके दिखाता तो यही अपने तो की हो गया डायग्राफ ऑफ रिलेशन आ। हम सैकेंड पार्ट के चलते हम उ सैट के उत्ते जो सैट ए की कंटेनिंग एलीमेंट्स वन टू थ्री फोर तो उस सैट के उत्ते रिलेशन एस डिवेलप किया कि उस ऑर्डर पेयर ए कौमा बी फॉर्म दे है सच दैट की होल्ड कर दौ ए माइनस बी इज ईवन।
हम तुम ये देखो कि जे मैं एस रिलेशन बढ़ाऊंगा तो कि बराबर बन जाऊंगा। देखो पहले आज वन कॉमा वन क्योंकि वन माइनस वन इक्वल टू जीरो पूछी जीवन, फिर वन टू नहीं आऊगा क्योंकि वन माइनस टू माइनस वन बन जाना वो ईवन नहीं है, फिर वन थ्री आ जाऊ क्योंकि वन माइनस थ्री माइनस टू वो ईवन नंबर, तो की आ जाऊगा जी इसे तरह पिक करते जाओगे पहला वन वन फिर वन थ्री फिर टू टू फिर टू कॉमा टू फिर थ्री कॉमा वन फिर थ्री कॉमा थ्री फिर फोर कॉमा टू एंड लास्ट जरा इसका मैंबर बनूंगा फोर कॉमा फोर बन जाऊंगा। इस टोटल एट मैंबर आए कि वन कॉमा वन, दूसरा वन कॉमा थ्री, तीसरा टू कॉमा टू, चौथा टू कॉमा फोर, पंजवा थ्री कॉमा वन, छेवा थ्री कॉमा थ्री, सतवा मैंबर जो होगा फोर कॉमा टू एंड लास्ट जो एट्थ मैंबर होगा फोर कॉमा फोर। तो डायग्राफ ऑफ रिलेशन एस एज शोन बिलो। तो उस तरह स्टूडेंट्स मैं इसको दो अलग अलग वे ना प्रोवाइड किया हो तो थोड़ा जहा समझियो इसको भी सामना पहलो ये रिलेशन किहड़े सेट दे उत्ते सी ए सेट दे उत्ते, तो ड्रा करते वक्त सामना पहलो जिहड़े सेट दे उत्ते रिलेशन हुंदा उहदे सारे मैंबरस नूं आपां रिप्रेजेंट कर देना और उहनूं कहना की आ वर्टेक्स या नॉट। तो जिहड़े पॉइंट सी किहड़े किहड़े सी वन टू थ्री फोर सी, तो वन ते मैं सर्कल लगा लिया, टू ते सर्कल लगा लिया, थ्री ते सर्कल लगा लिया, फोर ते सर्कल लगा लिया। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार इतने प्लॉट करके तुम दिखाना किस तरह मैं कह रही कि पहले मैं वन ते लगा लिया, फिर मैं टू ते लगा लिया, फिर मैं थ्री ते एंड दैन। तो हम तुम ये देखो कि अपने को पहला एस का मैंबर की है वन कॉमा वन, वन इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, तो इसको मैं की करूँगा वन तो स्टार्ट करके वन ते खत्म कर दूँ, एरो चाहे एंड ते पालो चाहे बिच कि ना कि रख लो, तो यह समझ लो ये वन इज रिलेटेड टू वन। इस जरा कोई भी जरा एज डायरेक्टेड एज जरा स्टार्ट जितों होगी उत्थे ही खत्म हो जाए उसको आप सैल्फ लूप बोलते हैं। तो आज जो मैं डायरेक्टेड एज प्लॉट किया इसको मैं सैल्फ लूप कहूँगा। अगला की है वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री मीन वन इज रिलेटेड टू थ्री, तो मैं इतने वन थ्री तक आप डायरेक्टर एच प्लॉट करता जो स्टार्ट वन तो होंगे सी रेंज थ्री तो होंगे सी, फिर टू कॉमा टू, टू कॉमा टू वास्ते भी टू तो स्टार्ट करके टू ते ही फिनिश करता, मैं इतने एरो पा लिया। स्टूडेंट्स सारा मैं एरो बिच दिखा रहा ये मैं एंड ते भी दिखा सकता इतने भी शो कर सकता ये भी मीनिंग इज सेम। नैक्सट टू कॉमा फोर, टू कॉमा फोर अपने को टू कॉमा टू हो गया टू कॉमा फोर, टू कॉमा फोर न मैं इस तरह प्लॉट कर रहा इस, फिर थ्री कॉमा वन, थ्री वन तो मैं थ्री वन रिलेट कर दिया एंड दैन थ्री कॉमा थ्री, थ्री इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, मैं इतने सेल्फ लूप बना लिया। फिर फोर कॉमा टू, फोर टू वास्ते मैं फिलहाल इस तरह रिलेट करता और दैन फोर कॉमा फोर, फोर इज रिलेटेड टू फोर, मैं सेल्फ लूप बना लिया। तो स्टूडेंट्स चाहे डायरेक्टेड एच दे विच मैं डायरेक्टेड वर्ड ओमिट भी करदा जे कोई एच जिथों स्टार्ट होंदा उत्थे ही फिनिश हो जाए तो उसनों भी मैं सेल्फ लूप कहूँगा। हुण मैं इसका एक होर तरीके नाल भी डायग्राम ड्रा कर सकता किस तरह, इतने मैं वन टेकन कर लिया, इतने मैं थ्री, इतने टू, इतने फोर, पिछली बार किया वन टू थ्री फोर, इस बार किया वन थ्री टू फोर, चार नोट्स बन गए वर्टेक्स बन गए। हुण वन इज रिलेटेड टू वन मैं सर, वन इज रिलेटेड टू थ्री मैं वन थ्री ना रिलेट कर, फिर टू इज रिलेटेड टू टू एंड टू इज रिलेटेड टू फोर, थ्री इज रिलेटेड टू वन, थ्री इज रिलेटेड टू वन एंड देन थ्री इज रिलेटेड टू थ्री एंड देन फोर इज रिलेटेड टू टू एंड देन फोर इज रिलेटेड टू, तो ये भी अपने को बन गया डायग्राम ऑफ ही बन गया एस। तो स्टूडेंट्स फिलहाल ये दो टॉपिक्स तुम क्लीयर कर गए होंगे, तो हम अगले जो मैं कंसैप्ट के पाठ
बारे पढ़ाऊंगा और उतो आप इंटरपोलेशन तो आर तो किमें आर स्केयर आर क्यूब आर की पावर फोर एंड सो आर की पावर इनफिनिटी किस तरह फाइंड आउट करते हैं और टू लेंथ के थ्री लेंथ के फोर लेंथ के किस तरह पाथ्स फाइंड आउट करते हैं उस बारे दस। थैंक यू सो मच।